अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए, और देखते हैं अगर खुला मिल जाए भगवान तो सही है, और नहीं होगा तो अपन सीधे वृंदावन के लिए टैक्सी पकड़ेंगे वहीं से। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं ये गलियां, ये घाट, ये यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही है घाट पर। ये पहुँचे, अभी पहुँचे अपन मेन घाट पर। ये देखो कितना क्राउड है यहाँ पे। ये पहनाई जा रही साड़ी यमुना जी को फिर से, देखो कितनी लंबी साड़ी है, पूरे उस साइड से पूरा वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक उस घाट तक पूरा। ये है मेन घाट। मैं इतनी भीड़ क्यों हूँ, बचने देखो। पागल बाबा सामने मंदिर है, सामने सामने बता दूंगा आपको पागल बाबा। और यहाँ पे हाथ जोड़ रहे ना, यहाँ पे हाथ जोड़ चलना, हाथ जोड़ ये बाबा सहित बाबा कहते हैं, सहित बाबा नहीं, सहित बाबा बाबा कहते हैं बाबा, ये बाबा है। कौन सा है मंदिर? मंदिर नहीं बाबा, सही बाबा जी का चीज है जी, बाबा दरगाह जी जी जी। झगड़ा 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 हुआ यहाँ पे, झगड़ा कल बुलागा। हाँ ये दरगाह यहाँ पे जी। हाँ जो चीज़ मांगोगे ना, हाँ जो चीज़ मांगोगे, हाँ वो आपको मिलेगा यहाँ पे। अच्छा हाँ, दिल से मांगो, दिल से मांगो, दिल से मांगोगे, दिल से हाँ वो चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको क्या करनी है नौरी? हाँ हाँ वो चढ़ाना आपको यहाँ पर। अच्छा आज चढ़ना बाबा थे, बाबा हाँ पास होना है। हाँ पास हो जाओ। हाँ क्या नाम? अरे पास हो जाओ नहीं, चत्तर आते, चत्तर आते, चत्तर हाँ चत्तर हाँ वो चढ़ानी आपको, वो तो चढ़ानी पड़ेगी। जो मांगूंगा आपको मिलेगा। हाँ जमीन जायदाद, जमीन जायदाद सब मिलेगी, सब मिलेगा। बहू मिलेगी? बहू बहू मिलेगी। हाँ सच्ची मन अच्छी अच्छी बहू मिलेगी, सेटिंग नहीं मिलेगी, सेटिंग है। हाँ जी जे ये कहा है थे? मंदिर एक मंदिर है। अच्छा मंदिर है, मंजिल सात मंजिल, सात मंजिल का मंदिर पागल बाबा का। जब मंदिर कौन सा है? ये वाला देखो, सात मंजिल मंदिर पागल बाबा का है। मथुरा से वृंदावन पहुंच गए हैं, तो गाइस अपन यहां पे पहुंच चुके हैं, बट पता नहीं है क्या है। रमो विक्राम धर्मा सरोपति श्री श्री रामानंद आचार्य द्वार पहुंच चुके हैं अपन, श्री रामानंद आचार्य द्वार। और ये देखो एक बोर्ड आ गया सामने, ये गोवर्धन परिक्रमा शायद ये इधर ही से स्टार्ट होती है। भाई साहब राम राम सारे आने। अपन रेडी हो चुके हैं फिर से, और टाइम हो रहा है अभी शाम का 5:18, तो अभी पहले तो चलते हैं अपन पागल बाबा मंदिर, उसके बाद फिर निधिवन, और उसके बाद इस्कॉन टेंपल, और उसके बाद फिर आखिरी में सबसे लास्ट में अपन जाएंगे बढ़िया प्रेम मंदिर। वहाँ पे आराम से अपन 2-3 घंटे बिताएंगे और दिखाते हैं आपको भी कि कैसा क्या होता है। चलो पहले रूम का लगाते हैं लॉक, और बढ़िया अपन को शानदार जगह पर तो रूम मिला है कि बिल्कुल मेन रोड पर, देखो बीच में ये अपना जस्ट बगल में घूम रहा है। तो चलो इसको लॉक करते हैं ताला लगा के, और मिलते हैं आपसे सीधा टैक्स। अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पर आते हैं। अब आप ये पूछ ना, आपकी बेटी 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती,
आपको एक चीज दिखा दूं, मस्त शानदार सी, देखो ये देखो सामने। यहाँ से अपन पहुंच गए हैं यमुना रिवर, यमुना घाट पे, ये देखो। चलो ना अंदर अपन नदी में चले, ये देखो कितना शानदार सी पक्षी गए रिवर में। जय हो गंगा मैया यमुना मैया की जय। यहाँ से अपन ने दर्शन दर्शन करके सब चीज, और ये एक बार फिर आप नज़ारा देख लो, और चलो अब चलते हैं वापस। अब ये लोग तो कहाँ गए, अब चल रहे हैं अपन निधि वन। अब निधि वन देखते हैं, यहाँ से लगभग शायद आधा एक किलोमीटर होगा, 400 मीटर है शायद, ये देख। यहाँ पे ये आरती चल रही है, गए हैं अपन फाइनली निधि वन। ये रहे वन, ये देखो पेड़ वगैरह वन जंगल के, निधि वन से वापस होके अब चल रहे हैं दौड़ते दौड़ते बांके बिहारी टेंपल। यहीं से थोड़ी दूर था 500 कुछ मीटर, कम से कम 6-7 मिनट की रास्ता, तो सोचा कि पैदल दौड़ते दौड़ते चल रहे, ये क्रिस है और बाकी पीछे हैं सभी। चलो चलते हैं, आपको उस सीधा दिखाते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन कराते हैं। कड़ी मेहनत के बाद ये भीड़ देख के, क्राउड देख के आप समझ रहे होंगे कहाँ पहुँचने वाले हैं। अपन पहुँचने वाले हैं प्रेम मंदिर, ये देखो ये रेस्टोरेंट पर भीड़ देखो आप कितनी है, चौपाटी पे ये देखो।
बहुत भयंकर थी। ये रहा आपके सामने श्री मंदिर का एंट्रेंस। बाते बिहारी लाल की जय।